तोता घाटी जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर स्थित है। तोता घाटी की फौलादी चट्टानों ने आधुनिक मशीनों और तकनीक को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कैसे, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। और सामने उस रोड पे जो कि आगे निकल जाती है श्रीनगर गढ़वाल बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए, और फिर आगे की ले जाती है आगे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। मुझे देहरादून पहुंचने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अगर जाम नहीं मिला तो जल्दी भी पहुंच सकता हूं। अभी मैं देहरादून वाले रास्ते पे हूँ, डांडा नागरजा से ठीक नीचे ये घिंडवाड़ा और पता नहीं कौन कौन से गांव हैं। मैं अभी देवप्रयाग में हूँ, जहाँ की दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ दोनों नदियों को, और जहाँ पर संगम होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं ये गंगा नदी। अच्छा, आप देख रहे होंगे एक तरफ हरा पानी है और एक तरफ मटमैला पानी। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो ग्रीन पानी यानी हरा पानी है, ये भागीरथी का पानी है जो कि टिहरी डैम से आता है, और जो ये मटमैला पानी है ये अलकनंदा है, और ये अलकनंदा चमोली से होकर आती है, जहाँ की आपने अभी कुछ दिन पहले जो ग्लेशियर टूटा था उसी नदी से, ये वहीं से ये पानी आ रहा है अलकनंदा। और आगे रुद्रप्रयाग में भी दो नदियों का संगम है, मंदाकिनी और अलकनंदा। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का जो पानी है वही पानी यहाँ पे मटमैला है। और आगे संगम है दो नदियों का, भागीरथी और अलकनंदा। आप सामने देख रहे हैं वो उछलता हुआ पानी है, वो आगे से वो टेरी डैम से आ रहा है भागीरथी का। और इधर साइड से दाने हाथ से वहां पे आपको लोग दिख रहे होंगे, ये आप देखिए जूम, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। वो साइड से पानी आ रहा है श्रीनगर साइड से, ऊपर से टेरी डैम से भागीरथी। मैं कोशिश करूंगा
संगम तक जाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है, लेकिन ऊपर से मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये आगे पानी बहता हुआ निर्मल पानी आगे निकल जाता है सागर में मिलने के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार से आगे, लेकिन आखिर ये नदी मिलती सागर में ही है, समुद्र में ही है। देवप्रयाग, यह स्थान पांच प्रयागों में से एक है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। सनातन धर्म में देवप्रयाग का महत्वपूर्ण स्थान है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण वध किया था तो ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित दोष भी श्री राम पर था। तब ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को सुझाव दिया कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर तपस्या करने से उन्हें ब्राह्मण हत्या दोष से मुक्ति मिल सकती है। लंका से आने के बाद भगवान श्री राम ने देवप्रयाग को अपनी तपस्थली बनाया और एक शिला पर बैठकर लंबे समय तक तप किया और ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हुए। उत्तराखंड में भागीरथी को सास और बहू के रूप में भी जाना जाता है, कारण कि भागीरथी तीव्र गति से और शोर करती हुई बहती है, जबकि अलकनंदा अपने शांत भाव से बिना शोर किए बहती रहती है। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि 2022 तक कंप्लीट हो सकता है। यहाँ रोड काफ़ी चौड़ी हो रही है, इनको अगर कहें तो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है और रोड बहुत सुंदर बन रही है। ये मैं अभी ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहा हूँ और उम्मीद है कि 2022 तक ये पूरा रोड जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस रोड पर कई जगह काम चल रहा है कि बाईं तरफ गंगा नदी अविरल विचरण करती भी बहती भी लोगों के पाप धोने हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ बढ़ रही है। रोड पे काम लगातार जारी है, मशीनें लगी हुई हैं। अभी बन ही रहा है, पूरी पहाड़ियां तोड़कर ये रोड बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर रोड बन चुका है ये। चलिए आपको ले चलता हूँ तोता घाटी के इतिहास में। आज से 90 साल पहले इसी तोता घाटी को काटकर इस पर सड़क मार्ग बनाया गया था, जबकि उस दौर में न आधुनिक मशीन थी और न ही आधुनिक तकनीक। लेकिन एक ऐसा माझी उस दौर में उत्तराखंड में पैदा हुआ था जिसके हौसलों के सामने इस कठोर पत्थरों वाली घाटी को भी नतमस्तक होना पड़ा और जिसने इस घाटी को अपनी मेहनत और लगन से चीर कर सड़क बनाई। कौन था वह ठेकेदार जिसने इस घाटी का घमंड तोड़ा था? ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर ब्यासी से आगे और देवप्रयाग से पहले बछेली खाल के पास स्थित है तोता घाटी। इन्हीं फौलादी चट्टानों ने जिस तरह आधुनिक मशीनों की कठिन परीक्षा ली है, उसी तरह इसी घाटी ने सन 1931 में उसी ठेकेदार की कठिन परीक्षा ली थी और
उन्होंने इन्हीं फौलादी चट्टानों को पारंपरिक हथियारों जैसे सब्बल, कुदाल, फावड़ा, गेंती, छेनी, बेलचा और हथौड़े का उपयोग कर यहाँ सड़क मार्ग बनाया था। कहते हैं इतिहास उन्हें अपने आप को दोहराता है। 90-91 साल बाद इतिहास फिर से तोता घाटी में आकर मुस्कुरा रहा है। इस सड़क का निर्माण टिहरी रियासत के दौरान हुआ था। मुनि की रेती ऋषिकेश से देवप्रयाग तक सड़क मार्ग टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा नरेंद्र शाह ने संबत 1988 से 1991 तक लगभग 4 वर्षों में पूरा किया था और इस कार्य की जिम्मेदारी पंडित चक्रधर जुयाल, जो कि आईपीएस टिहरी गढ़वाल रियासत के दीवान थे, उनको सौंपी गई। उन्हीं के अथक प्रयास और ठेकेदार मजदूरों के कठिन परिश्रम से यह मार्ग पूरा हुआ था और उन उत्तराखंड के माजी का नाम था तोता सिंह रांगड़, जो कि टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर ग्राम रोण्या पट्टी भदूरा के निवासी थे। उस समय राजा नरेंद्र शाह द्वारा तय की गई रकम में कोई भी ठेकेदार काम करने को राजी नहीं था और अपने हाथ खड़े कर दिए थे। कारण था उस घाटी की फौलादी चट्टाने, जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। तब राजा ने ठेकेदार तोता सिंह रांगोड़ को बुलाकर इस घाटी पर सड़क बनाने को कहा कि यहाँ किसी भी हाल में सड़क बननी चाहिए। ठेकेदार तोता सिंह कुछ मजदूरों के साथ इस घाटी के लिए अपने घर से पैदल ही निकल पड़े। 2 दिन तक पैदल चलने के बाद वे तोता घाटी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जब चट्टान को देखा तो वो घबरा गए और सोचने लगे कि इस पहाड़ी चट्टान को कैसे काटा जाए। उस वीरान जंगल में मजदूरों के लिए राशन पानी लाना भी एक समस्या थी, क्योंकि ऋषिकेश शहर इस जगह से काफ़ी दूरी पर था। खैर, किसी तरह काम शुरू हुआ। कभी कभी मजदूरों ने भूखे पेट भी काम किया। कुछ दिनों तक काम करने के बाद काम अचानक रुक गया। कुछ मजदूर बीमार भी पड़ गए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप में जज्बा है, हौसला है, लगन है, तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। तोता सिंह ने भगवान भैरवनाथ जी का त्रिशूल बनाया और उसकी पूजा अर्चना की और फिर से काम शुरू कर दिया। वह त्रिशूल आज भी उसी घाटी में सड़क पर विराजमान है। धीरे धीरे उन चट्टानों को काटने के बाद उन्होंने 2 साल के अथक प्रयास से वहां सड़क बना ली। तोता सिंह ने सड़क निर्माण पर अपनी सारी संपत्ति लगा दी और उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने अपने सारे जेवरात, पैसे सब इस घाटी को काटने में लगा दिया। जब राजा नरेंद्र शाह का इस घाटी में आगमन हुआ तो तोता सिंह ने अपनी सारी परेशानी राजा को बता डाली। तब राजा ने ठेकेदार तोता सिंह को अपने महल के पास, जो कि आज के नरेंद्र नगर में स्थित है, वहां जमीन दे दी और उनके लिए एक घर बनाकर भी दे दिया और ठेकेदार से कहा कि आज से यह घाटी आपके नाम से जानी जाएगी, अर्थात तोता घाटी। साथ ही तोता सिंह को लाट साहब की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तोता सिंह को ऑल वेदर रोड या चार धाम यात्रा मार्ग बनाने से पहले कोई नहीं जानता था। यहाँ के स्थानीय लोग और बड़े बुजुर्ग भी इस नाम को जानते थे, मगर आज यह तोता घाटी बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी है और हर कोई इस घाटी का रहस्य जानने को उत्सुक है। अगर मैं कहूँ कि तोताराम रांगड़ जी बिना डिग्री के तब के महान इंजीनियर और प्लानर थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमन करता हूँ मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को। तोता घाटी ने आधुनिक मशीनों, इंजीनियर, प्लानर सभी का पसीना निकाल दिया था। अभी भी यहाँ काम जारी है और चट्टानों को काटने का काम बंद कर दिया गया है, कारण कि उसमें बहुत समय लग रहा है और पूरी चट्टानों को काटना लगभग असंभव है।
अब सड़क के निचले भाग से कंक्रीट से सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। हर हर महादेव।